गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम विजयन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डेट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, कई बार एक्सेल के अंदर काम करते हुए मुझे डेट से रिलेटेड कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं डेट लिखता हूँ कुछ और, बट वो मेरे को दिखती कुछ और है, या मेरे को कोई और फॉर्मेट चाहिए बट वो एक्सेल मेरे को कोई और फॉर्मेट दिखाता है। तो फ्रेंड्स, डेट से रिलेटेड आप क्या क्या फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं या उससे रिलेटेड एक्सेल के अंदर क्या फंक्शंस अवेलेबल है, वो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन आप लोगों के सामने है, यहां पर फ्रेंड्स मैं कुछ डेट्स लिख लेता हूं। लाइक मैंने एक डेट लिखा 1 फरवरी 2023। फ्रेंड्स, इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं और ये मेरे को सिक्वेंस में मल्टीपल डेट्स दिखा देगा, राइट। तो ये फ्रेंड्स मैंने डेमो पर्पज से आपको कुछ डेट्स यहां पर क्रिएट कर लिए, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी डेट है वो आप यूज कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स सपोज मुझे ये डेट्स एक डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए, राइट, तो क्या करना है फ्रेंड्स मुझे, यहां पर फ्रेंड्स होम के अंदर आप देखेंगे एक नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, नंबर के अंदर ये डेट लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर फ्रेंड्स आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शन है, जिसके अंदर मेरे पास एक शॉर्ट डेट जो कि फ्रेंड्स मेरा एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है जो अभी अवेलेबल है, एक लॉन्ग डेट जो कि आप देखेंगे डिफरेंट फॉर्मेट है। मैंने इस पर क्लिक किया तो फ्रेंड्स ये मेरे को एक लॉन्ग डेट फॉर्मेट में कंप्लीट दिखाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मेरे को डिफरेंट टाइप से फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, शॉर्टकट की है Ctrl+1, या तो मैं Ctrl+1 यूज कर सकता हूं। Ctrl+1 से फ्रेंड्स क्या आता है, फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ जाता है, या फिर फ्रेंड्स मैं क्या कर सकता हूं, इस पर राइट क्लिक और राइट क्लिक करके फ्रेंड्स मेरे पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट सेल्स। मैंने इस फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक किया, फ्रेंड्स आप देखेंगे मेरे पास ऑप्शन आए हैं कुछ, जिसके अंदर फ्रेंड्स नंबर के अंदर एक डेट का ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। आप यहां से भी फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप के डेट फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगता है, राइट, वो आप चूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्रेंड्स फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं यहां पर। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोकेशन जो है उस लोकेशन के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। लाइक आपको इंग्लिश इंडिया के अंदर नहीं समझ में आ रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से उनके जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर अवेलेबल है। फ्रेंड्स काफी पॉपुलर है इंग्लिश यूएस के अंदर, राइट, जो कि हम ये वाला फॉर्मेट काफी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको इंग्लिश यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मिलेगा, राइट। 14:12 या इस तरह का आपको चाहिए वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स सपोज आप कस्टम फॉर्मेट अपने हिसाब से कुछ फॉर्मेट डिजाइन करना चाहते हैं कि डेट इस तरह से दिखनी चाहिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप कस्टम के अंदर चलेंगे। कस्टम के अंदर फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट आप अपने खुद क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहां टाइप, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मैंने इसको डिलीट कर दिया। फ्रेंड्स उससे पहले एक चीज आपको बता देता हूं, ऊपर आप देख रहे हैं एक सैंपल आ रहा है, राइट, सैंपल आ रहा है। सैंपल फ्रेंड्स क्या है, जो भी आपने अपना डेटा सेलेक्ट किया है, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे डेटा सेलेक्ट किया है, उसके अंदर जो आपकी पहली डेट है वो आपको सैंपल में दिखा रहा है। आप देखेंगे 1 फरवरी 2023, तो आपके सैंपल में 1 फरवरी 2023 आपको दिखा रहा है। तो इस टाइप को फ्रेंड्स मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे अब सैंपल में एक नंबर दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स नंबर क्या है, कई बार आपने देखा होगा डेट मेरे को नंबर में नजर आते हैं। फ्रेंड्स इसका भी जो कॉन्सेप्ट है, नंबर और डेट का क्या रिलेशन है, वो आपको मैं इस वीडियो में अभी आगे चल के बताऊंगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, डेट के बारे में कंप्लीट अगर आपको समझना है तो वो कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं टाइप में क्या करूंगा, कुछ टाइप करना शुरू करूंगा कि किस तरह का मुझे फॉर्मेट चाहिए। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स मैं आपको टाइप करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक बार डी टाइप किया, मैंने डी लिखा, जैसे ही ऊपर वन आ गया। अब ये वन क्या है, वन मतलब मेरी डेट का वन आ गया, वन 1 फरवरी, तो मेरा वन यहां पर फ्रेंड्स इसने दिखा दिया। अगर मैं एक बार और डी टाइप कर दूं तो इसने मेरे को फ्रेंड्स 01 दिखा दिया, 01 मतलब 2 डिजिट में इसने मेरी डेट को दिखा दिया। लेकिन अगर मैं एक बार और डी टाइप कर दूं, 3 बार फ्रेंड्स डी किया तो इसने मेरे को वेंसडे दिखाया शॉर्ट में, WED, राइट, शॉर्ट में 3 डिजिट, वेंसडे का WED, संडे का SUN, राइट, 3 डिजिट दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे कंप्लीट चाहिए तो मैं यहां पर 4 टाइम डी कर दूंगा, 4 बार मैंने डी लिखा तो फ्रेंड्स ये मेरे को कंप्लीट डे दिखा रहा है, राइट। वीक का वो कौन सा दिन है, तो 1 फरवरी 2023 को वेंसडे है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहां पर अगर मैं 5वीं बार टाइप करता हूं तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, राइट। तो इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल 4 बार तक यूज कर सकते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सेल में हमें ट्राई करने से सीखने को मिलती है, राइट। देन फ्रेंड्स इसके अलावा अगर मेरे को क्या चाहिए, मंथ चाहिए, तो मैं एम लिखूंगा तो इसने मेरे को फरवरी का 2 दिखा दिया, फरवरी का 2। अगर मैं एक बार और एम लिखता हूं तो 02, 2 डिजिट में इसने मेरे को मंथ दिखा दिया। एक बार और एम लिखा तो FEB, फेब शॉर्ट में दिखा दिया। एक बार और मैंने अगर एम लिखा तो इसने फरवरी मेरे को कंप्लीट दिखा दिया। लेकिन अगर मैं एक बार और ट्राई करता हूं तो इसने मेरे को फरवरी का एफ दिखा दिया, केवल एफ दिखा दिया। लेकिन अगर मैं एक बार और करूंगा तो कुछ नहीं करेगा फ्रेंड्स, पूरा फरवरी दिखाएगा आपको, ठीक है। तो यहां पे फ्रेंड्स मैं इस तरह से आपको मंथ भी यूज कर सकता हूं एम से। मेरे को ईयर लेकर आना है तो क्या करूंगा फ्रेंड्स, वाई, मैं वाई से ईयर लाऊंगा, 23 आ गया। एक बार और वाई करूंगा तब भी 23 दिखाएगा, क्योंकि 2 डिजिट में दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार और वाई करता हूं तो ये मेरे को
फोर डिजिट में 2023, मैं एक बार और वाई कर देता हूं तब भी मेरे को ये फोर डिजिट में ही दिखाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो वाई जनरली मैं यूज करता होता हूं जब मेरे को फोर डिजिट में ईयर चाहिए होता है, राइट। तो फ्रेंड्स इसको अब कंप्लीटली अगर मेरे को यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो सपोज फ्रेंड्स मेरे को यहां पर पहले मंथ दिखाना है थ्री डिजिट में, राइट, पहले मंथ दिखाना है थ्री डिजिट में, तो मैं यहां क्या करूंगा, MMM, मेरे को इस तरह से फैब दिखाना है। फिर मैं चाहता हूं एक कोमा आए, तो मैं एक कोमा लगाऊंगा, तो आप देखेंगे ऊपर सैंपल में कोमा आ जाता है। मैं चाहता हूं उसके बाद एक स्पेस आए, मैंने एक स्पेस दे दिया, मेरे सैंपल में ऊपर एक स्पेस आएगा। फिर मैं चाहता हूं फ्रेंड्स डेट आए, तो डेट कैसे आए, टू डिजिट में आए, टू डिजिट में, तो मेरे को यहां पर क्या करना है फ्रेंड्स, डीडी दो बार टाइप करना है। एंड देन फ्रेंड्स मैं क्या चाहता हूं, एक स्पेस आए और उसके बाद ईयर आए, राइट, या एक कोमा आ जाए देन स्पेस एंड देन ईयर आए। तो फ्रेंड्स जो फॉर्मेट आप दिखाना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ये केवल फॉर्मेटिंग है, आपकी डेट चेंज नहीं हो रही है, राइट। जो लिखा है वो ऊपर आपने देखा था नंबर ही रहेगा, उस नंबर को वो एक डेट फॉर्मेट में आपके हिसाब से दिखा रहा है, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स मेरे को वाई चार बार करना है, तो मेरा इस फॉर्मेट में दिख गया। यहां पर फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि मेरे को इसके साथ वो डे भी दिखाए कि वो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, कौन सा है, राइट। तो मैं स्टार्टिंग में चाहता हूं संडे मंडे ट्यूसडे दिखाना, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं डी 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 चार बार टाइप करूंगा अगर मेरे को कंप्लीट दिखाना है, और मेरे को थ्री डिजिट दिखाने हैं तो मैं तीन बार टाइप करूंगा। तो फ्रेंड्स फिर स्पेस आए, एक हाइफन का साइन आए, फिर एक स्पेस आए, तो मैं चाहता हूं कुछ इस तरह का दिखे, वेंसडे हाइफन एंड देन डेट, डेट इस फॉर्मेट में, राइट। तो फ्रेंड्स ये मैंने अपना फॉर्मेट डिजाइन कर लिया, मैंने ऑलरेडी डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं फ्रेंड्स सिंपल क्या करूंगा, ओके करूंगा। जैसे ही मैं ओके करता हूं फ्रेंड्स आप देखेंगे आपका कंप्लीट डेटा आपकी डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स सपोज आप इस डेटा में आपको आज की डेट चाहिए, आपको आज की डेट चाहिए, करंट डेट, तो फ्रेंड्स एक शॉर्टकट की भी है करंट डेट के लिए। मैं यहां पर फ्रेंड्स सिंपल शॉर्टकट की क्या यूज करूंगा, कंट्रोल सेमी कॉलन, कंट्रोल सेमी कॉलन, कंट्रोल सेमी कॉलन। फ्रेंड्स जैसे ही मैं प्रेस करता हूं आप देखेंगे ये मुझे आज की करंट डेट दिखा देता है, करंट डेट दिखा देता है। करंट डेट के लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला भी है जो आप यूज कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर, अगर आपको यूज करना है, इक्वल्स टू टुडे, टी ओ डी ए बाई टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर, फ्रेंड्स मेरे को आज की डेट दिखाएगा, राइट, आज की डेट दिखाएगा। फ्रेंड्स मुझे आज की डेट भी चाहिए और साथ में टाइम भी चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं फंक्शन यूज कर सकता हूं नाउ, इक्वल्स टू एन ओ डब्ल्यू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, नाउ अगर मैं यूज करूंगा, एंटर करूंगा फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे मेरे को ये डेट और जिस टाइम फ्रेंड्स ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस डेट और टाइम आपको दोनों यहां पर दिखा रहा है, राइट फ्रेंड्स, दोनों यहां पर दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स अगर अभी तक का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अब बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो मैंने बोला था कि डेट में फ्रेंड्स नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। उसके लिए मैं आपको यहां इस एक नंबर पे, एक डेट पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहां कोमा पे क्लिक किया, कोमा पे, या फिर मैं यहां से जाके इसको जनरल या नंबर में भी कर सकता हूं, मैंने जनरल किया तो इसने फ्रेंड्स एक नंबर में मेरी डेट को कन्वर्ट कर दिया। ये नंबर क्या है फ्रेंड्स, एक यहां पर फ्रेंड्स डेट लिख रहा हूं, फर्स्ट जनवरी 1900 फ्रेंड्स, फर्स्ट जनवरी 1900 मैंने यहां पर लिखा और मैंने इस कोमा पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे क्या आया, वन, यानी कि सिस्टम जो है आपकी डेट, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं, सिस्टम जो है डेट 1 जनवरी 1900 से पहले की लेगा ही नहीं। एक बार ट्राई कर लेते हैं, मैंने लिखा फ्रेंड्स फर्स्ट जनवरी 1900 से पहले की एक डेट लिखी, एंटर किया फ्रेंड्स, तो ये डेट फॉर्मेट में नहीं लेगा फ्रेंड्स, डेट फॉर्मेट में नहीं लेगा, इसने इसको एज ए टेक्स्ट लिया है। मैं इस पर कुछ भी करता रहूं फ्रेंड्स आप देखेंगे, मैं इसको फॉर्मेट सेल करता हूं और फॉर्मेट सेल करके फ्रेंड्स इसको सिंपल मैं डेट में जाऊंगा और मैं इसको 14 मार्च 12 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, एंटर फ्रेंड्स मैंने किया, तो आप देखेंगे इसने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब एक्सेल के लिए ये क्या है, ये सिंपल एक टेक्स्ट है, इसको ये डेट नहीं है, इसको ये डेट समझ में नहीं आती, सिस्टम को एक एक 1900 से पहले की कोई डेट समझ में नहीं आती, और एक एक 1900 को फ्रेंड्स ये क्या लेता है, एक एक 1900 को ये लेता है वन, राइट। अगर मैं आज की बात करता हूं, इक्वल्स टू टुडे, राइट, मैंने ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज किया 15 फरवरी 2023, मैं इसको अगर कन्वर्ट करता हूं तो 44972, इसका मतलब 1 जनवरी 1900 से लेकर आज तक कितने दिन हो चुके हैं, हर दिन ये एक दिन बढ़ा रहा है, 1 जनवरी 1900 को एक लेगा, 2 जनवरी 1900 को दो लेगा, राइट। तो एक एक दिन आगे इस तरह से बढ़ रहा है और जो मेरा आज का डे है उसका जो नंबर है वो 44972 से लेकर आज तक, 1 जनवरी 1900 से लेकर आज तक 44972 दिन हो चुके हैं, राइट। तो इन डेज को फ्रेंड्स, इन नंबर्स को ये डेट में कन्वर्ट करता है। तो डेट फ्रेंड्स एक्सेल के लिए कुछ भी नहीं है,
एक नंबर है एंड इन नंबर्स को फ्रेंड्स डेट फॉर्मेट में दिखाने के लिए आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डेट इन एक्सेल के अंदर आखिर होती क्या है, उसको कई बार नंबर में दिखता है तो उस नंबर का क्या मीनिंग है और उसको कैसे मुझे अपने सिस्टम में अपने डेटा में यूज करना है। आई होप फ्रेंड्स डेट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड मेरे साथ फ्रेंड्स एक्सेल पे फ्री मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं।